बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2023 का इंतजार कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो एंड तक देख लेना दोस्तों। सभी बोर्ड की परीक्षाएं या तो समाप्त हो गई हैं या तो फिर कहीं कहीं पर अंतिम चरणों में परीक्षाएं चल रही हैं। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अगर मान के चलें तो दोस्तों जल्द से जल्द कॉपी चेकिंग, कॉपी का मूल्यांकन कार्य पूरा कराया जाना है और 35 दिनों में आपका रिजल्ट देने का प्लान है सभी बोर्ड का। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड, जैक बोर्ड, ठीक है, सभी बोर्ड, जो भी बोर्ड हैं, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने का दोस्तों इस बार प्लान चल रहा है शिक्षा मंत्रालय का। इसलिए आपका रिजल्ट बहुत ही सुपर फास्ट आएगा। ये वीडियो को लास्ट तक देख लो। पहली खुशखबरी जो कि आपको पता होना चाहिए कि इस बार कोई भी शिक्षक आपको जानबूझकर फेल नहीं कर सकता। वो कॉपी को अच्छे से देखेगा, अच्छे से चेक करेगा, क्योंकि इस बार कॉपी चेक करने के लिए उनको और अधिक पैसे दिए जाएंगे, जिसके चलते अगर मान लीजिए किसी की राइटिंग ख़राब है तो ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी चेक करके वो आपको फेल कर दे, ऐसा नहीं होगा। कॉपी को बारीकी से चेक किया जाएगा और आपको पास किया जाएगा जहाँ तक हो सकेगा। अगर आपकी कॉपी बिल्कुल ब्लैंक होगी तो ही आप फेल होगे, अन्यथा आप स्टेप मार्किंग, राइटिंग के अंक, बोनस अंक, इन सब के चलते पास हो जाओगे। यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में 18 मार्च से मूल्यांकन होगा। चलिए सुनते हैं एक क्लिप। परीक्षा फल के बारे में, रिजल्ट के बारे में इतना ही अभी मैं कह सकता हूँ कि कहूँगा, इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि यह रिजल्ट सबसे कम समय में और सबसे बेहतर तरीके से और सबसे अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से आपने परीक्षा जल्दी कराई, रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर होगा? बस परीक्षा फल के बारे में, रिजल्ट के बारे में इतना ही अभी मैं कह सकता हूं कि 18 तारीख से हमने मूल्यांकन के लिए डेट तय किया है। दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि मूल्यांकन कार्य को जल्दी से किया जाएगा। कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से कराने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जा सके। रिजल्ट अप्रैल के अंत या फिर मई की शुरुआत तक आएगा। यूपी बोर्ड भी जल्द ही ऑफिशियल डेट जारी करेगा कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आपको रिजल्ट को लेकर चिंता नहीं करनी। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम ज़रूर लिखना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सारी अपडेट्स यहां पर आपको मिलते रहेंगी, हर एक बोर्ड से रिलेटेड, यूपी बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, ज़रूर मिलती रहती हैं आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपके रिजल्ट के लिए शुभकामनाएँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी सबसे पहले।